नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इन दिनों टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट मैच खेला जा रहा है और जहां ये मैच खेला जा रहा है वहीं पर ही मैच में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिन पर खूब मीम्स भी बन रहे हैं। अब ऐसी एक घटना देखने को मिली है जहां एक शख्स मुंह में गुटखा खाते हुए नजर आया है और जब कैमरे में ये शख्स रिकॉर्ड हुआ तो जिसने भी देखा वो खुश हो गया। और इसके अलावा ये भी दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश में लोग किस तरह से गुटखा खाते हैं और कैसे एडजस्ट करते हैं। मुंह में गुटखा भरे मजे से मैच देख रहा था शख्स, लोग बोले कानपुर को कमला पसंद है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है जिसका पहला मैच कानपुर में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में जाहिर है भारतीय फैंस अपने चहेते क्रिकेटरों की बल्लेबाजी देखने के लिए बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचे थे क्योंकि ये मैच कानपुर में हो रहा है। कानपुर से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। उत्तर प्रदेश का ये मशहूर शहर पान, मसाला और गुटखे के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों के पास ऐसा टैलेंट होता है कि वो मुंह में गुटखा रख कर भी किसी से बात कर लेते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक किसी बात की कीमत उनके गुटखे से ज़्यादा नहीं होती वो गुटखा नहीं थूकते हैं। मैच के दौरान भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिस पर लोग मजे ले रहे हैं। वायरल तस्वीर में दिख रहा है कि एक व्यक्ति मुंह में गुटखा भरे हुए और आराम से फोन पर बात कर रहा है। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और लिखा, कानीपुर में मैच आहे आज। इसके अलावा अभिनव पांडे नाम के एक व्यक्ति ने भी गुटखा खाते व्यक्ति का वीडियो शेयर किया और मजे लेते हुए लिखा है, कानपुर को कमला पसंद है और कंटेंट वायरल है। तो इस तरह से इस व्यक्ति के लोग खूब मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कानपुर और यूपी वालों की ये बड़ी निशानी है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।